नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुदीप भदौरिया। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार और बीजेपी की लड़ाई अब सड़क पर हो रही है। धान खरीदी को लेकर केंद्र से की गई मांग पर छत्तीसगढ़ सरकार का कोई साफ रुख सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस संगठन ने बीजेपी पर 5 सवालों की बौछार जरूर करती है। वहीं बीजेपी ने धान खरीदी में लेट लतीफी को लेकर सियासी दाव चलते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। सियासत की इस लड़ाई के केंद्र में है सूबे का किसान, जो बीजेपी के सत्ता में रहते हुए भी मोहरा बना रहता था, लेकिन अब जब सत्ता में कांग्रेस काबिज है तो भी किसान को लेकर सियासत का खेल अभी भी जारी है, जिसका कोई भी अंत नहीं दिख रहा। इसी मुद्दे पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपनी खास पेशकश धान पर सियासत में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर धान खरीदी को लेकर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी दोहरा चरित्र अपना रही है। एक ओर प्रदेश में 2500 रुपए में धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन कर रही, वही केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने धान खरीदी से ही मना कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि 2013 के विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी संकल्प पत्र में किसानों का धान 2100 रुपए प्रति क्विंटल और 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पूरे 5 सालों तक बोनस देने का वादा किया था कि नहीं, केंद्र सरकार से उस घोषणा से पहले मंजूरी ली गई थी कि नहीं। 3 जून 2014 में केंद्र की मोदी सरकार के धान बोनस पर बैन लगाने के बाद रमन सरकार ने 3 सालों तक किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया। मोदी सरकार ने 2017 में धान बोनस से बैन हटाया, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद बोनस पर फिर से बैन क्यों लगाया। एक ओर भाजपा की केंद्र सरकार 2500 रुपए में धान खरीदी से राज्य सरकार को रोक रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए में धान खरीदी के लिए आंदोलन कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। यह धान खरीदी के विषय में अचानक जो प्रसंग उपस्थित हुआ तो हमें इस विषय पे आप लोगों से चर्चा करनी पड़ी। वहीं धान खरीदी में लेट लतीफी को लेकर बीजेपी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मोर्चा संभाला। आंदोलन कर रही बीजेपी को 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने पर आपत्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस धरना प्रदर्शन के जरिए हम गूंगी बहरी भूपेश सरकार को जगाएंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी को आगे बढ़ाकर 1 दिसंबर से शुरू करना किसानों के साथ अन्याय है। रमन ने कहा कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का फैसला कांग्रेस ने केंद्र से पूछकर नहीं लिया था। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से समय मांगना और राष्ट्रपति से समय मांगकर भूपेश सरकार नौटंकी कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, लगता है कि जिस मकसद से बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया है वो आवाज सरकार तक पहुंचेगी? बहरी और गूंगी सरकार, इसको हम मजबूर करेंगे किसानों की धान की खरीदी करें। और हमारी मांग है 15 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था हो, किसानों के एक एक दाना धान खरीदे और उसके साथ 2 साल का बोनस जो बाकी है वो बोनस को दे और किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था करें। सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है, सरकार नहीं चेती तो जेल भरो आंदोलन किया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वादा कांग्रेस ने किया था 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का, लेकिन अब केंद्र से बार बार आग्रह किया जा रहा है, ये कैसी स्ट्रेटजी सरकार की नजर आती है और इसका क्या समाधान आप देखते हैं? आपने घोषणा पत्र तैयार किया था तो क्या केंद्र से पूछ के मोदी से पूछ के तैयार किया था? आपने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया। आज इस प्रकार की बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है, धान खरीदी की व्यवस्था भूपेश सरकार करे। इस तरीके से 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार से बार बार बात करने की कोशिश भूपेश सरकार कर रही है, इसका अब तक कोई समाधान जरूर नहीं निकला, लेकिन बावजूद इसके सरकार दावा कर रही है कि धान खरीदी 2500 रुपये क्विंटल की दर पर ही की जाएगी। हालांकि बीजेपी की इस मसले पर अलग सियासत है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथी पारसनाथ साहू, किसान नेता हैं, रामोतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
जिस तरीके से सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा धनंजय जी कि अब बीजेपी ने भी अपने हथकंडे शुरू कर दिए हैं और बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि ये क्या आपने केंद्र से पूछ के अपने घोषणा पत्र में ये मेंशन किया था, ये हम कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और ये एक ही सवाल है जो बीजेपी बार बार घुमा फिरा के पूछ रही है। केंद्र के पास जब आप समय मांगने के लिए गए वहां की केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई, इसका कोई समाधान कोई हल निकलने की अब उम्मीद लग रही है? देखिए भारद्वाज जी, बड़ा मुझे अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का वक्तव्य सुन रहा था, मुझे बड़ा अचरज लगा। एक आम भाजपा कार्यकर्ता अगर सवाल पूछता तो समझ में आता कि उसमें जानकारी का अभाव है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपके चैनल में वक्तव्य दिया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को तो जवाब भी देना चाहिए कि 2014 के इलेक्शन के समय जो भाजपा ने घोषणा पत्र बनाया था जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया था कि किसानों का धान को हम 2100 रुपये के दर पर खरीदेंगे और 300 रुपये अलग से बोनस देंगे, तो क्या ये केंद्र सरकार से अनुमति लिए गए? अगर कोई अनुमति लिए होंगे उस पत्र को सार्वजनिक कर दे, हाँ भाई कि हमने घोषणा पत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लिया था और केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, लेकिन जिस प्रकार से धान भी रहा है उस दौरान भी उन्होंने किसान को धान का बोनस देने से इनकार कर दिया, 2100 रुपये मूल्य में खरीदने से भी इनकार कर दिया, और उसके बाद जब चुनाव नजदीक आता है तो जनता का जब उनको वोट चाहिए तब बोनस देने के लिए वो धान चावल खरीदी जो सेंट्रल पूल के माध्यम से होता है उसके कुछ नियम को शिथिल कर उनको लाभ देते हैं, उसके बाद भी किसानों के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। 2 साल का किसानों का बोनस बकाया है और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव जब जाती है तो 2 साल के बोनस जो बकाया भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान था उसको भी किस्तों में देने का वादा हमारे द्वारा किया गया है, और आज रमन सिंह जी कहते हैं कि 2 साल का बोनस आपको देना पड़ेगा। अरे जनता को आप बताइए, आपने 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया? आपने वादानुसार धान की खरीदी क्यों नहीं की? और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में किसानों की जो हालात है उसको देखते हुए हमने घोषणा पत्र बनाया था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 में धान की खरीदी करेंगे, और धान की खरीदी किए भी है सरकार बनते ही और इस बार भी खरीदेंगे, इसलिए हमको केंद्र सरकार से पूछने का आवश्यकता नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी। धनंजय धनंजय जी, जो इस वक्त बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर पकड़े हुए है और जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो है कि तारीख बढ़ाने को लेकर, पहले 15 और उसके बाद 1 दिसंबर कर दी गई है तारीख, और जो जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो कि हालांकि आपके प्रवक्ता ने कहा था कि गीला धान और इसकी वजह से किसानों को, कई किसानों का गीला है जिसकी वजह से उन्हें वक्त दिया गया, वहीं एक किसान का जो कहना है वो ये कहना है कि कहीं कोई गीला धान नहीं है, जो भी है कुछ चुनिंदा किसानों का है लेकिन खरीदारी आपको जो शुरू कर देनी चाहिए थी। हमारे साथ किसान नेता भी है, जिस तरीके से अगर देखा जाए पारसनाथ जी, जो कहा गया है तर्क दिया गया है वो कहां तक सही है, और जो 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, अभी होगी ये संभवतः है लेकिन अभी आने वाले समय में ये पता चलेगा, तो इससे किसानों को कितना हानि हो रही है? क्या बिचौलियों की जो बात कही जा रही है क्या वो भी सत्य है? कुछ किसान परेशान होकर बिचौलियों के सहारे या बिचौलियों के चपेटे में आ रहे? जी हाँ, दोनों बात सत्य है कि कई किसानों का धान कट चुका है और कई किसानों का धान अभी कटना बाकी है, जैसे सरना महामाया जो लेट वेराइटी वाला है और देरी से बोनी हुई थी वो अभी 1 हफ्ता लेट है, उसके लिए 1 दिसंबर ठीक है, परंतु जो जिस किसान का पहले कट गया है उसको परेशानी हो रही है, इसमें दो मत की बात नहीं है। ठीक है, जो तर्क दे रही है कांग्रेस सरकार उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या मतलब इस तर्क से खुश हैं कि चलो ठीक है 15 तारीख नहीं 1 दिसंबर ही सही? पूरी तरह सहमत नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे सामने ये है कि हमको 2500 रुपया मिलना चाहिए, वो बहुत बड़ी मुद्दा है। खैर, कुछ दिन के बाद किसान भूल जाते हैं, निश्चित रूप से परेशानी भी होगी, 15 दिन रुकने वाली बात, किंतु ये इससे हट करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस समर्थन मूल्य 1815 और 2500 पर ये राजनीतिक पार्टियां विवाद करती है उस समर्थन मूल्य तो 12 महीना लागू होना चाहिए, और समर्थन मूल्य में ये निर्धारित होता है वो उसका पैमाना भी गलत है, इसको कानूनी बाध्यता
कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कृषि नीति ना होने से ये केंद्र सरकार पूरे देश भर के किसानों को ठग रहा है। क्या नीति होनी चाहिए? अगर आज कृषि नीति होता तो ये सरकार बाध्य होती और पूरी पूरी धान खरीदी होता। ये तो गनीमत है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो 2500 दे रहा है, भले ही लेट हो, किंतु आज देश भर में कोई भी अनाज उत्पादक किसान हो सब परेशान है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें कानूनी प्रावधान लाए और उचित मूल्य पर किसान या फिर आप दोषी किसे मानते हैं? समाप्त करें। पूरी जो चल रहा है इस वक्त, जो सियासत धान पर चल रही है, खरीदी को लेकर बवाल कट रहा है, किसान परेशान हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार किसान या फिर आप किसे मानते हैं? नहीं, खरीदी के लिए तो राज्य सरकार आंशिक रूप से जवाबदार है, किंतु समर्थन मूल्य में जो चावल नहीं लेने की बात है वो पूरा पूरा केंद्र सरकार जवाबदार है। मतलब आप दोनों को 50-50% मानते हैं? जी हाँ। चलिए रामोदार जी, जिस तरीके से के मामले में, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र का आता है। ठीक है रामोदार जी, जिस तरीके से देखा जाए डेट बढ़ा दी गई और उसके बाद अब किसान, हालांकि किसान को 10-15 दिन में कुछ नहीं हो रहा जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों का ये मानना है कि उन्हें इससे प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें अपनी फसल जल्दी बेचनी है, लेकिन कुछ किसानों का ये कहना है कि अगर दाम पूरे मिल जाते हैं तो उन्हें सहूलियत हो जाएगी। अब जो 15 तारीख से 1 तारीख निर्धारित की गई है और ये पूरा मामला अगर इसी तरह उलझा रहा और ये डेट फिर से आगे बढ़ानी पड़ी, और डेट अगर नहीं भी बढ़ाई और किसानों का जो अनाज है, चूंकि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा वरना घिर जाएंगे, और खरीदते हैं तो इस पर राज्य सरकार पर क्या बोझ पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात यह है कि किसानों के धान जो है वो 2500 में खरीदेंगे, ये घोषणा कर दी है सरकार ने और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई और तिथि भी घोषित कर दिए हैं। तो ये बार बार सीएम से सारे मंत्री और सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि खरीदेंगे, यानी खरीदना तय है क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं उसकी तैयारी है, कर्जा भी ले लिए तो खरीदेंगे। उसको लेकर कोई हिला हवाला राज्य सरकार अभी तक करती दिख नहीं रही है। दूसरी बात तिथि की है, तो तिथि के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में पानी गिरा, पानी गिरने के बाद क्या है, खेतों में पानी आ गया धान की फसलों में, ऐसी स्थिति में काटने के दौरान किसानों का असुविधा होगी और बाल को रख नहीं पाएंगे धान के, और इसके कारण बढ़ाए हैं तिथि, ऐसा सरकार का मत है। ठीक है, परंतु ये जो धान जल्दी आ भी जाता है तो धान को काटने के बाद मिजाने तक और खेतों में हार्वेस्टर को पहुंचा के धान को कटवाने का समय, तो एक समय तो देना पड़ेगा। तो इन सब कारणों से अगर किसान जल्दी काट भी लेगा तो उसको समर्थन मूल्य इतना ज्यादा मिल रहा है कि अपने धान को जब तक सहकारी समिति में बिकना शुरू नहीं होगा तब तक तो नहीं बेचेगा। बहुत ही ज्यादा मजबूरी होगी तो किसान बेचेगा, अन्यथा जो है किसान को इतना ज्यादा फर्क है समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में कि कोई भी किसान बेचेगा नहीं, अपनी साल भर की मेहनत का उपज का उचित मूल्य लेना चाहेगा और बेचेगा नहीं। अगर कोई बेचान किसान अगर बेच भी रहा है तो उसे अपील करना चाहिए, रुक जाओ अपन 20 दिन बाद 15 दिन बाद जो स्थितियां बनेंगी, 15 दिन बचा है 15 दिन बाद बेचे तो उसका उचित मूल्य और समर्थन मूल्य मिल जाएगा। तो ये अलग अलग तकनीकी दिक्कतें हैं, प्रशासनिक दिक्कतें हैं और किसानों की अपनी दिक्कतें हैं, मगर एक बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। जैसे साहू जी ने भी कहा कि समर्थन मूल्य में धान ले रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये इससे किसानों के अपने उसके आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वाजिब उसका मूल्य मिल पाएगा, उसके अंदर एक उत्साह रहेगा और लोग जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जो धीरे धीरे लोग किसानी की तरफ लौटते जा रहे हैं, तो वो उनमें एक आकर्षण आएगा और एक बड़े वर्ग को, छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े जो मतदाता भी हैं, सबसे बड़े जो मेहनतकश लोग हैं वो किसान हैं, तो उन किसानों के हित में एक व्यापक तरीके से फैसला होने से एक बदलाव
कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में आएगा। उनको जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है आत्महत्या की घटनाएं हो रही है या कर्ज से लोग जो परेशान है, वैसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। और किसान जो है अपने दो फसल लेने के बारे में सोचेगा अब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, तो दो फसल ले और सब्जी बाड़ी की भी खेती कर सकता है। क्योंकि गांव और गोठान की जो बात हो रही उससे छत्तीसगढ़ में आगे जाकर रामतास जी जिस तरीके से देखा जाए लोगों को ये ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, ये जो चल रहा है कि आपने घोषणा पत्र में केंद्र से पूछा था, हालांकि अब उनके मुंह की जो बात थी जो मन में रखी थी वो जुबान पे आने लग गई है, जो कहा केंद्र सरकार अगर नहीं खरीद रही है तो अब वो कहने लग गए हैं कि आपने अगर वचन पत्र में कोई वचन डाला था तो क्या वो केंद्र से पूछ के डाला था, हालांकि कार्ड इसका कांग्रेस के पास भी है। तो एक नया तर्क, कौन सी पार्टी ऐसी होती है जो किसी केंद्र से पूछ के अपने वचन पत्र में कोई भी वचन डालती है या फिर घोषणा करती है, एक नया तर्क जो भी जिसका कोई न हाथ न है न पैर है। देखिए घोषणा पत्र में राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नेताओं को पूछते हैं, आलाकमान को पूछते हैं, विरोधी दल को कोई पार्टी नहीं पूछता, ना भाजपा कांग्रेस से पूछती ना कांग्रेस भाजपा से पूछती, सत्ता तो बदलती रहती है, वो कोई पूछ के नहीं डालता। वो एक जनता के हित में किस तरह से फैसले ले सकते हैं, सरकार के हित में किस तरह से फैसले रखते हैं, उसकी मंशा काम करने की क्या इच्छा है, वो खुद पार्टी तय करती है। और सरकार में आने के बाद वो पार्टी सरकार के रूप में शामिल होकर वो फैसलों को अमल करती है। तो वही अमल इन दिनों जो है वो भूपेश बघेल कर रहे हैं, मगर भूपेश बघेल को ये लेने के पीछे अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि मैं किसानों के सुचित्तक हूँ, मैं किसानों के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा हूँ और केंद्र सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। तो एक राजनीतिक दल में राजनीतिक स्वार्थ होते हैं कि अपना श्रेय लिया जाए और जो मदद नहीं कर रहा है उसको कहीं ना कहीं निशाने में लिया जाए। तो एक बड़े वर्ग के हित में फैसला ले रही है, कई सौ करोड़ रुपया इसमें कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार लगा रही है, तो इसका श्रेय लेने के लिए वो एक राजनीतिक हिस्सा में शामिल हो रही है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन बयानबाजी। अब इसका काट क्या है भाजपा के बाद, तो भाजपा ने भी आज दोपहर बाद धरना शुरू कर दिया कि 15 तारीख को करो। तो एक तरह से राजनीतिक दल वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह के समय ही धान का समर्थन मूल्य भी मिला था, किसानों को बोनस भी मिला था, मरो एक बार मिला, तो ये उन्होंने भी पूछा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक बार चुनाव के समय था, वादा तो भाजपा ने भी किया था देने को, मगर वादा के बाद भी भाजपा नहीं दे पाई थी उनकी। अब जब ये सरकार दे रही है तो इस सरकार का भी कहना था कि एक बार दिए उनको नियम कानून को तोड़ते हुए अब हमको नियम कानून की बात बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को मदद नहीं करना चाहते हो, ये आरोप ये लगा रहे हैं। जो तर्क दे रहे हैं भाजपा वाले वो खुद अपने नेताओं से ये सब चीज थोड़ी पूछे हैं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो ये एक किसानों को बरगलाने का, किसानों को भ्रम डालने का एक राजनीति का हिस्सा है। किसानों को कोई जल्दी देना नहीं चाहता ना, वो निर्माण के पैसे में ज्यादा फायदा है, कमीशन मिलते हैं, ये पैसे सीधा किसानों के जेब में जाएगा, किसानों के हित में होगा। तो ऐसे पैसे को सरकार जो है बहुत जल्दी देने में ज्यादा उतावले नहीं रहते, क्योंकि निर्माण एजेंसियां हैं, वो निर्माण कराते रहे, उसका कमीशन मिलते रहे, उससे सामने वाला ठेकेदार भी अपना है, हम भी सरकार में है, सबके सब खुश रहो और किसानों के नाम पर राजनीति ज्यादा करो, ये अभी सभी राजनीतिक दल करते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी बात है कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, किसानों को फायदा दिलाने की राजनीति हो रही है, कौन ज्यादा फायदा दिला सकता है, ये तर्क गहरे से उतर रहा है। तो इसको किसान भी देख रहा है, किसान ये समझ रहा है कि मेरे हित की बात कौन से पार्टी कर रही है, कितने मेरे हित की लड़ाई लड़ रहा है, कौन मेरे हित में दिख भर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े सभा सोसाइटियां होती हैं, सामाजिक लोग होते हैं जो बस दिखाने के लिए दान देते हैं जाके गरीबों को, बाकी उनकी मंशा नहीं होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें ये तरह से दिख रहा है
कि कौन किसानों के हित में है और कौन, कौन किसान के साथ जाना चाहता है। बिल्कुल है। आप समाज में एक मिनट और देंगे जी जी जी। समाज में बड़े से वर्ग को, समाज में ज्यादा लोगों को हम अगर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो कृषि सबसे बड़ा माध्यम है। सही। हम देख रहे हैं कि समाज में बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े अट्टालिका हैं, बड़ी सुविधाएं हैं और गांव में नहीं है, इसलिए गांव का किसान तेजी से शहर की तरफ दौड़ रहा है। तो उन किसानों को रोकने के लिए हमें खेती किसानी को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उनको उनके उपज का सही मूल्य देना पड़ेगा। बिल्कुल इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। सही धनंजय जी, जिस तरीके से तो गाँव बिल्कुल रामदास जी मैं आपके पास आऊंगा, धनंजय जी जिस तरीके से देखा जाए कि पूरी तरीके से केंद्र पर मर देना कि केंद्र ने नहीं खरीदा धान, केंद्र पूल में नहीं ले रहा धान और उसके बाद खुद पाक साफ निकल जाना, ये कितना सही है कि कांग्रेस तो सब कुछ करना चाहती है लेकिन केंद्र नहीं कर रही है। हालांकि उस वक्त जब घोषणा पत्र में कहा जाता है किसान सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को वोट दिया किसान ने, वो सिर्फ यही कि आप उनकी करेंगे ना कि ये उस वक्त अभी आप कह रहे हैं किसानों से और खरीदी केंद्रों तक केंद्र का MSP रेट मिनिमम है वो भेज रहे हैं, तो उससे इससे क्या फायदा है कि भाई केंद्र इतने में ले रहा है, हम देखो 2500 में ही लेंगे या फिर देखो हम लेना चाहते पर केंद्र नहीं ले रहा है। तो ये कहां तक सही है किसानों को बताना है कि केंद्र नहीं ले रहा इसलिए दिक्कत आ रही है? देखिए दिक्कत कहीं पे नहीं आ रही, पूरी बात को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राज्य में जो उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, वो उनकी धान को 2500 रुपए में खरीद चुकी है और इस बार खरीदेंगे भी, हम पहले भी खरीद चुके हैं, लेकिन जो एक सिस्टम होता है, जो सेंट्रल पुल का सिस्टम होता है जिसमें पिछले 2 बार से नियम को शिथिल किया गया था ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उस नियम को शिथिल रखने के बजाय एक दुर्भावना के कारण, क्योंकि देखेंगे अगर किसानों को डेवलपमेंट होता है, किसान आते हुए मजबूत होता है तो इसका श्रेय पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। तो ऐसे में श्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा, जो लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते रहे लेकिन विफल हो चुके हैं, उनका ग्राफ गिरता है। तो जिस प्रकार से वो अड़ंगा लगा रहे हैं सेंट्रल पूल के चावल खरीदी के नियम को शिथिल करने के बजाय, एक अड़ंगा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब 1800-1500 में ही, तो ये बात तो आप भी स्वीकार करते हैं कि 2 साल का आप खुद कहते हैं बोनस नहीं दिया बीजेपी ने क्योंकि केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी उस पे, जब आप पे अगर ये सिचुएशन आ रही है एक बार तो आप भी दे चुके हैं ना बोनस, अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है तो पूरा केंद्र को आपने सामने क्यों कर दिया किसानों के, भाई देख लो ये रही केंद्र और ये नहीं ले रही धान इसलिए लेट हो रहा धान या फिर हम इसलिए नहीं खरीद पा रहे, ये केंद्र। देखिए आज भी हम अपने जिम्मेदारी में खड़े हुए, हम आज भी किसानों का धान 2500 का मामला अपने तक शॉर्ट आउट करिए ना, किसानों को ये क्यों बताया जा रहा है कि केंद्र देखो नहीं ले रहा है, भाई वचन आपने दिया आप राज्य सरकार में आपका दायित्व बनता है किसानों की, आप करें किसानों को क्या मतलब है कि केंद्र क्या हो रही है आपकी बातचीत क्या नहीं हो रही है, और वचन को पालन भी किए हैं और पालन भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मंडोरा पीटा जा रहा है उससे यही लग रहा है ना कि सिर्फ केंद्र 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 भाजपा केंद्र क्यों ना हो, केंद्र आखिर केंद्र की सरकार जो किसानों के मतलब सम्मान की बात, तो यानी कि बीजेपी जो कह रही है कि आप अपना ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है, सही है, हम अपना ठीकरा नहीं फोड़ रहे हम। अच्छा चलिए बीजेपी ने बीजेपी के समय जब बोनस नहीं दिया था बीजेपी ने ये ढिंडोरा पीटा था क्या कि केंद्र ने बोनस देने से मना कर दिया इसलिए हम बोनस नहीं दे पा रहे हैं, ये केंद्र ने ऐसा कर दिया, लेकिन आप तो पूरा पूरा केंद्र को आगे कर रखा है, आप अपनी गलती तो मान ही नहीं रहे, हमने कोई बैकअप नहीं बना के रखा हुआ था या केंद्र से पहले से बातचीत करके नहीं रखी थी, हम आज भी धान खरीद रहे हैं, हम किसानों के साथ ना धोखा कर रहे हैं ना किसानों के साथ छल कर रहे हैं, हम किसानों का धान 2500 खरीदने के लिए आज ही प्रतिबद्ध है और किसान पूरा विश्वास कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता पूरा माहौल बना के 15 नवम्बर को धान खरीदी के माहौल को लेकर 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे धरना देते हैं और खुद को किसानों का हितैषी बताते हैं, उनका चेहरा जनता के बीच में आना चाहिए, असल में किसानों का विरोधी है ये लोग, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल 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 धनंजय जी बिल्कुल दिख रहा है, बघेल जी उनका कर्जा माफ किए हैं, वो पिछले बार 2500 में धान खरीदे हैं और इस बार हम 2500 में धान खरीदेंगे, बिल्कुल 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 केंद्र पर डालकर बिल्कुल पाक साफ, अगर खरीदती भी है तो इसमें अपनी ही वाहवाही है कि देखो हमने केंद्र के बावजूद भी अपना धान खरीदा, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से राजनीतिक उपयोग आप दोनों ही पार्टियां बड़ी बखूबी कर रही हैं जिस तरीके से देखा जाए।
चलिए धरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामोतार जी आपका भी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे किसान नेता पारसनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्माती जा रही है और किसानों के लिए कोई हल नहीं निकल रहा, जहां उम्मीद थी उन्हें कि 15 नवंबर को धान है वो उसकी खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन तारीख एक और बढ़ा दी गई, 1 दिसंबर कर दी गई, इससे किसान जरूर परेशान है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो कसमकसम की स्थिति है वो आखिर कब तक निपटेगी और कैसे केंद्र खुद को बचा पाएगी, या बीजेपी का चेहरा जो धूमिल हो रहा है जिस तरीके से कांग्रेस से रिप्रेजेंट कर रही है केंद्र सरकार को किसानों के बीच, उससे क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।